अंतर्गत पति पत्नी के विवाद व भेड़ चोरी के संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सुनील गुप्ता ने मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए पूरे मामले पर प्रकाश डालते हुए बताया। दर्ज कर लिया गया है, ये बेसिकली एक मसला है जिसमें एक महिला है जो अपने पति को छोड़कर के अपनी किसी और के साथ रहने चली गई और अपने दहेज वहेज का सामान भी ले गई। प्राथमिक जांच में सामने आया दहेज का सामान वापस मांगने पर उसके दूसरे पक्ष ने बोला कि हम नहीं दे सकते, कुछ और सामान दे देते हैं। तो उसमें उसने अपनी भेड़ दे दी, जो कि बताया जाता है भेड़ उसकी नहीं थी, उसके फादर की थी। उसके फादर से कंप्लेन ले ली गई है, फर्दे उसके फादर ने प्राथमिकी दर्ज कराई, उसके आधार पर भेड़े बरामद करके वापस मुलजिम को दे दी गई और मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया है और भेड़े वापस उसके फादर को दे दी गई है। तो जो भेड़े बरामद हुई हैं वो तो उसके पिताजी की थी जी, लेकिन जो उसकी पत्नी को लेके गया उसके खिलाफ भी कोई कार्रवाई? देखिए, जब तक कोई हमारे पास कंप्लेंट नहीं होती है, चूँकि आप खुद भी जानते हैं कि आजकल लिविंग रिलेशनशिप और शादी के संबंधों में पुलिस का रोल इतना नहीं होता है जितना कि हमें, जैसे ही हमें कोई कंप्लेंट करेगा महिला या कोई पुरुष, तो हम उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे।